हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का वर्क हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश में। आपको कर्सिव राइटिंग में आपकी चल रही है, आपके ए सी डी ई जी एच आई जे और के तक, ये 9 लेटर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पेरेंट्स से निवेदन है कि वो इन लेटर्स को रिवीजन करवाते रहें। एक लाइन में ये लिख के एक लाइन नीचे छोड़ दें जिसमें बच्चा लिखे, फिर एक लाइन में ये लिख के एक लाइन और छोड़ दें उसमें भी बच्चा राइट करे। उसके बाद में आज आपको मैं दो या दो लेटर नहीं दे रहा हूं, तो वो करवाने हैं बच्चों को। बस स्टार्टिंग पॉइंट का ध्यान रखना है। स्टार्टिंग पॉइंट जब तक बच्चे की क्लियर नहीं होगी, कर्सिव राइटिंग का लिखने का कोई फायदा नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे के बाद में एक लेटर आता है एल, एल का स्टार्टिंग पॉइंट भी वही रहेगा। सबके स्टार्टिंग पॉइंट लगभग एक जैसे बना के ही रखे हैं एल, तो इस तरह से एल के बीच में ये प्रॉपर गैप होना चाहिए। और उसके बाद में एम का स्टार्टिंग पॉइंट भी यही रहेगा, एम को 1, 2 एंड 3, एम एम फॉर मैंगो, और इसी तरह से ये। तो ये आपके दो लेटर और आज नए आपको देने हैं बच्चों को राइट करके। खुद देख लीजिए पहले अच्छे से कैसे बनाना है इसको। ये लेटर आप खुद बनाइए, कोशिश करिए। खुद भी कर्सिव सीख लोगे तो आपको आगे पढ़ने में भी, जैसे बच्चा लिखता है नोटबुक में तो क्या लिखा हुआ है वो भी आपको समझ आएगा। तो ये चीजें हैं ए सी डी ई जी एच आई जे के एल एम, यहां तक इन लेटर्स की सबकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक जगह से शुरू होते हैं। हर कोई यहां से शुरू हो रहा है, हर पॉइंट, हर लेटर। तो ये आपके दो लेटर नहीं। फिर हमने हिंदी में दो शब्दों के तीन शब्द, दो वर्णों के, तीन वर्णों के, चार वर्णों के शब्द काफी दिन हो गए चल रहे हैं। तो मैं सोच रहा था मैं आ की मात्रा शुरू करवा दूं। अगर किसी बच्चे को अभी तक पढ़ने में पीछे प्रॉब्लम है तो वो पेरेंट्स थोड़ा ध्यान दे के उस पे उसको कवर करवा ले। आज हम आ की मात्रा शुरू कर रहे हैं। तो आ की मात्रा को बताने का तरीका क्या रहेगा कि जैसे कोई भी, अब आ की मात्रा, आ हम पढ़ते हैं तो इसकी मात्रा का साइन ये होता, आ की मात्रा। यानी कि बच्चे को बताना है कि ये जो डंडा है ये आ की आवाज देगा। जैसे हम शुरू करें कै, ये क्या है कै, तो कै के साथ ये डंडा लगाया तो क्या बना, का बन गया। इसी तरह से खै के साथ तो ये क्या बन गया, खा। इसी तरह से गै के साथ गा, और इसी के साथ गा के साथ। तो ये चार लेटर आज आपको देने हैं इन बच्चों को, और ये मात्रा बतानी है का खा गा घा। इस तरह से वो बच्चा पढ़ेगा तो ये मात्रा सीख लेगा। तो ये आपका वर्क है, और मैथ्स के अंदर 100 to 1 रिवर्स काउंटिंग ही आपका वर्क है। अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं रिवर्स काउंटिंग तो उसका रिवीजन एक दो दिन जरूर करवा दीजिए अभी भी। तो थैंक यू।